Good morning. खाता पीता सब लोग खा रहे हैं. खाता पीता चैनल जी, कोई जी तशरीफ रखिए. अच्छा, हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मजहब से अपने मैं अनजान हूं, बस इतना पता है मैं इंसान हूँ, इतना पता है मैं इंसान हूँ. इंसान हूँ, इंसान हूँ तो तालियां बजा दीजिए. हमारे बीच हम सबके चहेते लालू जी भी तशरीफ ला रहे हैं. यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, लालू जी आइए, आइए, तशरीफ रखिए. अब तो संधि हो गए हैं उत्तर प्रदेश के. बहुत बहुत मुबारक हो. जितने गंजे हैं बैठ जाएं. जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे. अमित शाह जी की तो ऐसी पर्सनालिटी है. लालू जी अमित शाह जी आए थे अभी. अरे मिल लिया आप भी. अमित शाह जी भी आए थे. ऐसी पर्सनालिटी इनकी कि अगर इनको सिर्फ गंजी पहना के भारत पाकिस्तान बॉर्डर में बिठा दें तो पाकिस्तानी सेना ऐसे लौट जाएंगी. उनको लगेगा कि अलग टाइप का धमाका होने वाला है. मोदी जी बोलते बहुत हैं, मोदी जी बोलते बहुत हैं, लेकिन ये इसलिए लगता है बोलते बहुत हैं क्योंकि पिछले वाले बोलते ही नहीं थे. सो जब जब यहां माहौल टेंस होगा, किसी डिबेट में माहौल में तलखी आएगी, तब तब मैं यहाँ मैं यहीं कहीं रखा रहूँगा और बीच बीच में आ जाऊँगा. सो आइए, चाय मिली आपको? अच्छा, इनको बिना शक्कर की चाय दो. हाँ जी, एक रैली हो रही थी लखनऊ में, एक रैली हो रही थी. सारी पब्लिक मोदी 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 मोदी. एक दो साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी. मैंने उसकी मम्मी से कहा, देखिए क्या क्रेज है, दो साल का बच्चा भी मोदी मोदी. आ चुप बैठो भैया, गोदी कह रहा, गोदी. तुमको लेना पड़े पता चले 27 किलो का है. इसके साथ जो बच्चे पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, खा खा के गमला हुआ जा रहा है. बढ़िया है मोदी मोदी. अभी बीच में चाइना के राष्ट्रपति आए थे. हमारी एक न्यूज एंकर की नौकरी भी खतरे में पड़ गई थी. उनका नाम शुरू होता था एक्स से, जिंग पोंग ठंग ठंग पुंग कुंग. वो उनको पढ़ रही थी 11 पिंग पोंग. वो भी घबरा के बोले, हम तो अकेले आए हैं, 10 लोग कहाँ हैं. तो उनसे मोदी जी ने कहा, जिंग पोंग जी, आप हमें यह गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हिंदुस्तान की ओर घुसपैठ नहीं करेंगी. आप हमें यह गारंटी दीजिए. वो बोला, चाइना वाले गारंटी नहीं, गारंटी नहीं. हम मुंबई वाले हैं, ओरिजिनली तो यूपी के ही हैं लेकिन बहुत टाइम से मुंबई में हैं. तो यहाँ आते हैं, इतनी सर्दी भी बहुत सर्दी लगती है इस. लेकिन ठंडी की सबसे बड़ी विशेषता है, आप इसमें गौर करना, आपको गर्मी नहीं लगेगी. मैंने अध्ययन किया है. इस ठंडी में नहाने के लिए लोग कहते हैं जिगर चाहिए ठंडे पानी से. बोले नहाने के लिए जिगर चाहिए. हमने कहा जिगर नहीं, मुझे तो गीजर चाहिए.
अभी लालू जी को देख के एक खुशखबरी जो हुई है उसी से कनेक्ट होके बात करूंगा। ठंडी में बारात जाती है, साधारण घर की शादी की बात कर रहा हूं, बारात जैसे पहुंचेगी पूरी बारात एक कोने में चली जाती है जहां कॉफी मशीन है। हर बारात कॉफी दो भैया, तुम ले चुके हो डबल क्यों ले रहे हो, हम पहली बार नहीं लिए, कॉफी दो। मशीन भी गुस्से से मशीन भी। लेकिन कुछ लोग कॉफी पीते पीते खाना खाते रहते, उनको मेन टेंशन रहता है कि देखो कहीं लास्ट में रजाई ना कम पड़ जाए। तो खा रहे गुड्डू सारे खा तो रहे हो, रजाई अम्मा के लिए तीन लेना, दो में अम्मा निकल लेंगी, ठंडी बहुत है। अब ऐसी ठंडी में जिसको रजाई मिलती है, रजाई में गया ऐसा लगता लॉटरी लग गई, एक दादाजी को मिल गई, हरी 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 हरी। थोड़ी देर में रजाई गर्म हो गई, जब गर्म हो जाती तो बहुत मजा आता है, गर्म का आनंद ले रहे थे। उनका बेड लग कि कोई आ गया रिश्तेदार, आप ऐसा कीजिए आप दूसरा वाला कमरा ले लीजिए, यहाँ सो नहीं पाओगे, औरतों का आना जाना रहेगा, जेवर रखा है बगल वाला कमरा ले लो। अब इतनी मुश्किल से रजाई गर्म हुई थी, बड़बड़ाते हुए निकले, सत्या ना जाए औरतों का, कहाँ से कितनी मुश्किल से गर्म किया। दूसरे कमरे में गए, रजाई में घुसे, फिर थोड़ी देर में हरी 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 हरी, रजाई गर्म हो गई, बेड लग, लड़कियां आ गई, दादाजी दादाजी प्लीज प्लीज ये रूम हम लोग दीजिए, आप बगल वाला ले लीजिए, हम लोग रात में अंताक्षरी खेलेंगे, निशा आई हुई, आशा आई हुई, हम लोग खेलेंगे, नेहा आई हुई है, अंताक्षरी खेलेंगे, हम लोग पूरी रात मस्ती करेंगे, प्लीज 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 ये रूम हम लोग को दे दीजिए। बस दूल्हे के बाप को बुलाओ, यहाँ आओ, ये तुमने हमें शादी में बुलाया है कि सब रजाई गर्म करवाने के लिए बुलाया? थैंक यू। अभी मोदी जी का एक अभियान चला, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं घबरा गया, फिर शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? फिर मुझे किसी ने बताया नहीं, उनका मतलब है रिश्वत ब्राइब से। ये बात सच है, रेलवे लाइन किनारे आप सुबह सुबह देखिए, सब कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, कॉन्फ्रेंस में भी सामने पानी रहता है, सब पानी लिए बगुला बैठे रहते हैं, उठते भी नहीं, बेशर्मी से। और लेकिन वो खुशी से नहीं बैठते, उसमें जो ग्रुप में लड़के जाते हैं उनको पता ही नहीं कि सुविधा उनके पास होनी चाहिए थी, उनका हक किसी ने मार दिया, वो वहां भी एंजॉय कर लेते हैं ग्रुप में, उनको पता ही नहीं, ना सरकार के बारे में पता ना योजना के बारे में पता, रेलवे लाइन किनारे बैठे हैं वहां भी एंजॉय कर लेते हैं। हाँ गुड्डू करो करो करो, अभी नहीं आ रही, करो करो, अबे ए तीन नंबर पे है, तीन नंबर पे है, चार पे आ जाओ, चार पे आ जाओ, नहीं 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 आराम से करो, पैसेंजर है, अबे राजधानी है जल्दी धो। लेकिन बड़े लोगों को मैंने देखा है, उनके यहाँ एक नहीं बड़े लोगों के छः छः आठ आठ टॉयलेट होते हैं, वॉशरूम होते हैं, एक तो वॉशरूम नाम रख दिया है, शुरू में बड़ी दिक्कत हुई वहां जाके कुछ धोना है, कपड़े धोने की याद करने। अब वहां मैं अभी किसी के यहाँ खाना खाने गया, और खाना खाने से ज्यादा उनको चिंता थी घर दिखाने की, खाना लगा घर देखा हमने, जी जी बहुत अच्छा है, नहीं नहीं टॉयलेट देखा कि नहीं, हमने कहा नहीं देखा, ड्राइंग रूम वगैरह देखा बहुत अच्छा है, नहीं नहीं अरे टॉयलेट देखा ही नहीं, 42 लाख खर्चा किया भाई टॉयलेट पे, 42 लाख खर्चा किया है, हमने बहुत खर्चा कर दिया, करना तो वही है, वह क्या समोसे खाओगे। एक हीरो को मैं गया मिलने, किसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट ले जाना था, उनको गया तो बोले दो मिनट बैठो मैं तब तक फ्रेश होके आ जाता हूँ, और वो जैसे टॉयलेट जाने लगे तो नौकर ने पहले तो लैपटॉप दिया, जा रहे थे टॉयलेट, लैपटॉप दिया, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया दिया, मोबाइल लिया उन्होंने, फिर उसके बाद एक कप कॉफ़ी दिया, नौकर घबरा गया, कहा साहब एक हफ्ते बाद आएंगे, कहा कल हमारा पगार का दिन है। तो ऐसी बातें होती रहेंगी, मैं बीच बीच में आता रहूंगा, जब भी यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे VIP आ गए हैं, जब बहुत आ जाएं तो फिर सब कॉमन हो जाते हैं।
और चैनल्स की इतनी सर कंपटीशन है, इतनी टीआरपी है का लफड़ा है, अगर एक चैनल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया तो दूसरा वाला उससे अच्छा करता है, और अगली बार ये ट्राई करते हैं हमारा उनसे पहले हो जाए, उनका उनके बाद हो जाए। हमारे यहाँ भी कॉम्पिटिशन है, कॉमेडी में भी कॉम्पिटिशन है। तो ये इस तरह की महफिल बहुत शानदार आज तक आयोजित करता है, और मैं खुशी है कि मुझे बार बार बुलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहीं पर हूँ। थैंक यू।